नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में और इसी स्टॉक के रिसेंट के न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस समय ये स्टॉक ऐसे टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है जहां से 4 to 7% तक का इंट्राडे मूव भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसको आगे समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। यहां देखेंगे टाटा स्टील, जमशेदपुर, मीरा मंडली, कलिंगनगर रिसीव वैल्यू इंजीनियरिंग अवार्ड फ्रॉम इन्वेस्ट। यहां देखेंगे तो कंपनी को अवार्ड मिलते हुए दिखा और ये कंपनी टाटा स्टील तो काफी बेहतर तरीके से आप जानते ही होंगे, मल्टीपल अवार्ड इसके जो एमडी हैं उसको भी मिलते हुए हमने रिसेंट में देखा है। जो लास्ट न्यूज थी वो टाटा सन्स के द्वारा 2 करोड़ शेयर अनप्लेज किए जाने वाले ही न्यूज थे। इससे पहले इन्वेस्टर मीटिंग वाली न्यूज दिखी थी और भी रिसेंट के कुछ बहुत बड़े न्यूज नहीं दिख रहा है। जो डिलीवरी स्टॉक की है वो डिलीवरी कंटिन्यूअस देखेंगे तो आप पाएंगे कि 40 to 60% की डिलीवरी दिख रही है। यहां देखेंगे तो डिलीवरी बेटर है। टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड भी इस स्टॉक का बेटर दिख रहा है। इवन सेक्टर इस स्टॉक से ज्यादा ट्रेंड करते दिखी थी। यहां मैं आज के कामकाज को ही दिखाऊं तो देखेंगे तो 26,000 की बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग लगी हुई है। आज इस स्टॉक में देखेंगे तो 55% की डिलीवरी उठाई गई है और निफ्टी मेटल के ट्रेंड को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहां से बड़ी तेजी इस प्रकार के कैंडल बनना काफी आम सी बात है। और टाटा स्टील में एक माइनर रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 135 का, जो मुझे लगता है कि 7 डेज के मैक्सिमम ड्यूरेशन में हिट कर जाना चाहिए। यहां से देखेंगे तो 7 डेज के मैक्सिमम ड्यूरेशन में 135 को हीट कर जाना चाहिए। जो रियल ट्रेंड है, जो रियल रिवर्सल है वो इस स्टॉक में 135 के ऊपर दिखेगा। एक बार स्टॉक 135 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इजीली 156 to 65 और दूसरा टारगेट 200 प्लस तक का दिख सकता है। वीकनेस तब तक नहीं आएगी जब तक ये स्टॉक लोअर साइड 126 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है।